सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सिद्दीकी और आज के वीडियो में आपको जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। सो गाइस, प्लीज़ आप उस वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजिएगा कि ये किस पक्षी का अंडा है। ओके, मैं उसे आपको पढ़ के रिप्लाई भेज दूँगा। सो फ्रेंड्स, जो मैं दिखाने वाला हूँ आप उसे पहले वीडियो में देख के तो चौंक जाओगे, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब उस वीडियो को देखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सब्सक्राइब का है, और लाइक कर दीजिएगा गाइस प्लीज़। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने बोला था आपको चौंका दूंगा, ये इनके अंडे हैं। मानता हूँ कि ये इतने बड़े हैं लेकिन ये इन्हीं के अंडे हैं। ये पहले बहुत इतने मोट हुआ करते थे और इन्होंने इतने छोटे छोटे अंडे दिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग चौंक गए होंगे ना, मजाक कर रहा हूँ, ये इनके अंडे हो ही नहीं सकते, आप लोग भी जानते होंगे। सो फ्रेंड्स, कमेंट में लिख के भेजिएगा ये किस पक्षी के अंडे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ, फिर इसकी दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग जो इसे देख रहे हो ना, मैं इसके बारे में बता दूँ आपको कि ये कैटरपिलर है, कैटरपिलर। तो फिर ये जो है ना, जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप को अपनी जालियों से कवर कर लेते हैं, और ये तब पैदा होते हैं जब तितलियाँ अंडे देती हैं, क्योंकि ये बड़े होकर तितली ही बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसे जानते हो, अगर इनके और भी प्रजाति तो उनकी वीडियो आप हमें भेज सकते हो और कमेंट में लिखकर भी। सो फ्रेंड्स, ये जो कैटरपिलर है ये बहुत ही अलग तरीके का है, और इसने उस एक पेड़ पे ना बहुत सारे एग भी दिए हैं, इतने छोटे छोटे हैं और बच्चे हैं उसमें, पीले पीले हैं, सारे बच्चे निकले हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है, ये जब बड़ा होता है तो ये तितली में बदल जाता है। ये अपने आप को पता नहीं कैसे कवर करेगा, और फिर उसका पहले नरम रहेगा, फिर बाद में बहुत कड़ा हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब इसका मैंने आपको जानकारी दे दिया, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ। अब इसको सुला दें, जाओ बेटा आराम से सो जाओ मेरा बच्चा। अब हम लोग दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये अंडे जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, और आप इन्हें हाथ से छुओगे तो फिर इनमें से बच्चे नहीं आ सकते। तो गाइस, अगर आपको कहीं भी इस तरह अंडे मिलते हैं एग, तो फिर प्लीज़ उसे मत टच करिएगा, वरना फिर उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस अंडे के बारे में। इसमें नॉलेज थोड़ा मैं दूंगा और थोड़ा आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोग पहले ही वीडियो देख लें, नो व्यूज़ बताए और आप पहले वीडियो देख लें, तो प्लीज़ इसे आप देख के कॉमेंट भेज दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, ये अंडे जो हैं इनमें मैं आपको बता दूं क्या है, इनमें अगर बच्चे आएंगे तो वो इतने छोटे होंगे, क्योंकि ये इतनी छोटी चिड़िया का है और वो सिर्फ इतना ही उड़ने में सफ़र अपना कर पाती है, सिर्फ इतना करीब। आप लोग को मैं दूर से दिखाता हूँ। तो फिर गाइज, सो फ्रेंड्स, इनको मैंने बहुत इनकी खोज की, मैं हर रोज़ इनकी खोज करता हूँ ताकि मैं ढूंढ सकूँ और एक नई वीडियो बना सकूँ। सो फ्रेंड्स, इसकी और इसकी मैंने वीडियो भेजी मिक्स करके, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़ भेजिएगा। मुझे ही बहुत मुश्किल से वीडियो मिली है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर एडवेंचर पर गया था अपना इस वीडियो को टॉपिक लेने के लिए। सो गाइस, मैंने थोड़ा नॉलेज, अब आप लोग मुझे भेजिएगा कि ये किस कलर का है। ओके, इसका कौन कलर है और ये जो डॉट है ये किस कलर के हैं। सो फ्रेंड्स, इसका मुझे भेज दीजिएगा, और अगर आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है तो फिर आप मुझे इनके बारे में भी कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। सो गाइस, मेरा और आपका वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। तो चलिए अब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं।